हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो आज 11 अक्टूबर 2019 को DSSB जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी और क्या क्या अब जो कल पेपर होने वाला उसमें आ सकती है। आज के पेपर के अंदर जो रीजनिंग आई थी उसके अंदर सीरीज़ के जो थे 4 से 5 सवाल आए थे, और जो फिगर के थे वो 4 से 5 सवाल, साइड के 2 से 3 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3, और सिंपल जो सवाल थे वो 4 से 5 सवाल आए थे। रीजनिंग जो थी वो काफ़ी सिंपल आई थी। अगर हम GK के कंपैरिजन में करें तो रीजनिंग पूरे पेपर में अगर कंपेयर किया जाए तो रीजनिंग जो थी वो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन जो GK थी वो मॉडरेट टू हार्ड थी। इसके अंदर अवार्ड, अकबर, बाबर और कौन सा युद्ध हुआ है, किसने क्या क्या चीज़ें चलाई हैं, किसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, इन सब से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो काफ़ी मॉडरेट माने गए हैं। और सब बता रहे हैं कि जो GK थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आई थी। मैथ्स के अंदर जो है वो सिंप्लीफिकेशन था, कंपाउंड इंटरेस्ट था और परसेंटेज। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में से 2 या 3 सवाल आए थे। जो परसेंटेज था उसके अंदर से 3 या 4 सवाल। सिंप्लीफिकेशन जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था, 3 से 4 सवाल उसके अंदर से आए थे। और जो सिंपल सवाल थे एवरेज के, या फिर आप मान लीजिए मेंसुरेशन के, उनमें से 1 या 2 एक दो सवाल आए थे सभी में से। जो इंग्लिश थे उसमें एक पैसेज आया था लास्ट में, और इसके अंदर जो पैसेज से पूछे गए थे वो 5 सवाल पूछे गए थे। बाकी ग्रामर में सभी चीज़ पूछी गई थी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, चेक द एरर, ये सब आया था। हिंदी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, वाक्य, काल, लिंग, कारक सब आए थे। वाक्य को शुद्ध पहचान, वाक्य का शुद्ध रूप पहचानिए, काल कौन से काल में ये वाक्य बोला गया है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, ये सब उसके अंदर पूछा गया था। हिंदी रीजनिंग और जो इंग्लिश थी वो आज के पेपर की ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आई थी, ये इजी आई थी। हाँ, लेकिन जो मैथ और GK था इसके अंदर काफ़ी ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जिन्हें आसान नहीं कहा जा सकता। इसके पैटर्न के बारे में अगर आपने कभी DSSB का पेपर नहीं दिया है तो मैं इसके पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसके अंदर जो सब्जेक्ट थे वो 5 सब्जेक्ट थे, और हर एक सब्जेक्ट 40 नंबर का था, और उसके अंदर 40 ही क्वेश्चन थे। सबसे पहले जो ओपन हुआ था वो रीजनिंग हुआ था, और ये सब दो दो पार्ट में डिवाइड थे। टोटल पार्ट जो थे वो पेपर के अंदर 10 पार्ट थे, और जो क्वेश्चन पेपर बटा हुआ था वो 20-20 नंबर या 20-20 क्वेश्चनों के पार्ट में बटा हुआ था। DSSB का एक रूल है, अगर आप पहले पैटर्न पे काम कर रहे हैं या रीजनिंग का पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप अगले पार्ट पे जा सकते हैं। अगर आप एक बार अगले पार्ट पर चले गए तो आप वापस से दूसरे पार्ट पर नहीं आ सकते, क्योंकि आप इस पहले पार्ट को सबमिट करने के बाद ही दूसरे पार्ट पर जा सकते हैं। ऐसे करते करते इसके अंदर जो टोटल पार्ट रखे गए थे वो क्वेश्चन पेपर 10 पार्टों में डिवाइड था, जो 20-20 नंबर कैरी कर रहे थे। और जो सब्जेक्ट ओपन हुए थे वो सबसे पहले रीजनिंग हुआ था, रीजनिंग के 2 पार्ट हो गए, फिर GK के 2 पार्ट हो गए, फिर मैथ्स के 2 पार्ट हो गए, फिर इंग्लिश के 2 पार्ट हो गए, हिंदी लास्ट में हिंदी था, हिंदी के 2 पार्ट। और इसके अंदर जो टोटल टाइम दिया गया था वो 120 मिनट यानी कि 2 आवर दिए गए थे। टाइम सबके लिए सेम था, ऐसा नहीं था कि इस पार्ट के लिए आपको 12 मिनट दिए गए हैं, इसके लिए 20 मिनट दिए गए हैं। टाइम आपका इक्वली चलता रहेगा, घटता रहेगा स्क्रीन पर आपकी, लेकिन जो आपके पार्ट हैं आप फर्स्ट पार्ट को सबमिट कर कर ही सेकेंड पार्ट पर जा सकते हैं। अगर आपने DSSB का पेपर नहीं दिया है तो आप ये पैटर्न ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अगर ये पेपर देने जा रहे हैं तो आप थोड़ा स्पीड अपनी ज़्यादा रखिए, क्योंकि मैथ के अंदर ट्रिकी क्वेश्चन है और GK के अंदर आपको सोचने में टाइम लगेगा, तो आपके क्वेश्चन छूट ना जाएं, इसलिए आप थोड़ा तेज ही करके चलिए अपना पेपर।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।